हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पे। आलिया की तबीयत ठीक नहीं है आज, उसको वैक्सीन की वजह से पैर में काफ़ी पेन था और उसे सर्दी काफ़ी हो चुकी है, तो रात भर नहीं सोई है। आप देख सकते हैं उसको, बहुत ज़्यादा उसको सर्दी हो गई है। तो आज मेरी बेटी को पैम्पर करने का दिन है, तो उसको ब्रेकफास्ट करा रही हूँ। आज आपको काफ़ी छोटा सा वीडियो देखने मिलेगा, बिकॉज वो काफ़ी क्रैंकी हो रही है आज, तबीयत ठीक नहीं है उसका। इस रीज़न से मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं किया है, मैं थोड़ा बहुत कुकिंग का वीडियो ही शो करने वाली हूँ आज। सो प्रॉपर वीडियोस आपको बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों। मीनवाइल जस्ट एंजॉय माय डॉटर स्वीट टॉक्स एंड उसकी एक्टिविटी। वो यहाँ देखिए पढ़ाई कर रही है, मैं उसको पढ़ाई करा रही थी। वो सोने के लिए आई थी एक्चुअली, बट उसको नींद नहीं आया, तो फिर मैंने कहा चलो चलिए पढ़ाई कर लो। तो जब ये तबीयत ख़राब होता है ना इसका, तो ये मेरे साथ ही रहती है, मतलब वैसे यूजुअली मेरे साथ रहती है, बट जब तबीयत ख़राब होता है तो उसको मम्मा 24/7 चाहिए होता है, मतलब मुझसे चिपकी रहेगी, वो मेरे साथ ही रहेगी। तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैम्पर करना पड़ता है आज के दिनों से, जब तबीयत ठीक नहीं होती है उसकी। तो अभी देखिए वो पैटर्न्स ऑलमोस्ट बनाना सीख गई है, उसको प्राइम जो है बनाना सीख रही है। तो बस मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। जो बचा हुआ चिकन था वो मेरे हबी खा लेंगे, उन्होंने बोला है कल हम जो ले आए थे, बिकॉज इतना चिकन तो हम दोनों नहीं खा सकते थे। जो ग्रेवी बची थी हमने पार्सल ले लिया था, मैंने रोटी ऑलरेडी बना दिया है। मैं यहाँ अपने लिए मसाले डोसे की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने ऑयल ले लिया है। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया था, उसमें थोड़ा सा राई और सरसों बोलते हैं जिसे, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और चने की दाल जो होती है वो मैं डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और साथ ही साथ मैंने अपने जो चिकन था मैंने फ्रिज में रखा था उसको बाहर निकाल लिया था मैंने, उसे भी अच्छे से गर्म कर देती हूँ, तो वो गर्म हो जाएगा, मेरा डोसे का बैटर भी रेडी हो जाएगा। फिर मैंने धनिया पत्ती डाल दी थी, आलिया को बीच में आ गया था वॉशरूम जाना था उसे, तो थोड़ा सा मेरा धनिया पत्ती जल गया है, जला ही हल्का सा क्रिस्पी हो गया है, टेस्ट काफ़ी अच्छा था। मुझे थोड़ा मैंने अपने लिए बनाया था, थोड़ा सा स्पाइसी बनाया था क्योंकि हबी तो खाती नहीं है स्पाइसी, तो मैंने फिर इसमें डाल दिया है पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटोज हैं। मैंने इसमें हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, इसको अच्छे से सॉटे कर लेना है। मैंने स्लाइड्स जो पोटैटो है उन्हें ऐसे रफली कट किया हुआ है, आप चाहें तो इसे मैश भी कर सकते हैं, पर मुझे इसे आलू के पीस खाना ज़्यादा पसंद है। और मैं इसे इसमें पीली पीली डालूँगी फॉर टेस्ट, दैट्स इट, और कोई मसाला नहीं डालूँगी मैं इसमें, बिकॉज ये प्लेन ही खाने में काफ़ी मज़ेदार आता है, और जो पीरी पीरी का टेस्ट होता है ना थोड़ा स्पाइसी होता है, तो इट रियली टेस्टी यम। और वहाँ मेरी चिकन की ग्रेवी जो है वो भी गर्म हो चुकी है, मैंने आलू को थोड़ा सा और हल्के सॉटे करना है। इसके बाद मैंने तुरंत खाना खाने के बाद आर्या को सुला दिया था, तकरीबन 3 बज चुके थे, 2:30 बज चुके थे, हमने खाना खाया, मैंने बर्तन वॉश किए, उसके बाद हम वो भी सो गई थी और मैं भी सो गई थी। तबीयत ठीक नहीं है उसकी, वो रात भर नहीं सोई थी कल, तो मुझे भी थोड़ा आराम करना था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुकिंग नहीं किया, मतलब जो था उस पर ही हमने काम चला लिया। और मेरे हबी को चिकन अच्छा लगा था, वैसे चिकन पटियाला है रियली बहुत टेस्टी था, अब मैं भी एक बार घर में ट्राई करूँगी, बिकॉज मुझे टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा था इसका। तो नेक्स्ट टाइम मैं भी आप लोग का रेसिपी शेयर करूँगी अपने चिकन पटियाले की। और देखिए बैटर, ये मैंने घर में बनाया है बैटर, देखिए कितना फ्लफी है ना, मैं घर में जो बनाया हुआ बैटर, अच्छा इसका बैटर का ना जो चावल है काफ़ी पुराना हो गया है ना, तो इसके डोसे अच्छे बनते हैं, इसकी इडली उतनी मज़ेदार नहीं बनती है। तो मेरे हबी भी डोसा खाना पसंद करते हैं और मैं भी डोसा खाना पसंद करती हूँ इसका। मैं देखिए चिकन ये कितना काफ़ी चिकन बच गया था, तो बस अब मैंने फ्राई पैन रख दिया है। अब प्लीज़ इग्नोर मेरे फ्राई पैन को, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है और इसको मैं मोस्टली ना ये सब डोसे के लिए या फिर मेरे जो ब्रेड्स होते हैं ना उसको मैं सेकने के लिए यूज़ करती हूँ, इसलिए वो काला हो गया है, अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छा डोसा है, सॉरी तवा है, इट्स रियली गुड, मैं 4 साल से इसे यूज़ कर रही हूँ एंड इट्स सुपर्ब। बस मैंने हल्का सा ऑयलिंग करने के बाद तवे को अच्छे से गर्म करके पानी छिड़क दिया है, ताकि जो उसकी जो हीट है वो प्रॉपर हो जाए, एंड फिर मैं डोसे का डालूँगी बैटर। डोसे एकदम क्रिस्प बनते हैं, जैसे मुझे खाना पसंद है वैसा डोसा बनता है। सो मेरा फ़ोन ना से गिर गया था हल्का सा, इस रीज़न से आप लोगों को ना वैसे टोटली ब्लैंक दिख रहा था, तो मैंने चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ बैटर डाल के। तो ये देखिए डोसा कितना क्रिस्प है, आप देख सकते हैं वो ऑलरेडी गोल्डन हो गया है, तो मुझे ना एकदम क्रिस्प पसंद है डोसा खाना,
मैं बाहर भी खाती हूँ तो वैसे ही खाती हूँ। बस मैंने मसाले डोसे का आलू स्प्रेड कर दिया है उसमें और ये मेरा डोसा यम्मी सा रेडी हो गया है। फिलहाल मैंने एक बनाया है क्योंकि अगर हर दो खाना होगा तो मैं और बना लूँगी। फिलहाल मेरे लिए एक काफ़ी है और मैं एक प्लेन डोसा खाऊँगी। तो आ जाइए दोस्तों, यम्मी यम्मी डोसा विद चटनी इज़ रेडी। ट्रस्ट मी, डोसा बहुत टेस्टी बना था, मुझे काफ़ी पसंद है डोसा। जब भी बैटर बनाती हूँ मैं एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, रख लेती हूँ उसको अंदर। और अब हो रहा है शाम की नाश्ते की तैयारी। मैंने सेम कढ़ाई में ले लिया है, अब मैं जा रही हूँ इडली फ्राई करने क्योंकि इडली फ्राई मेरे हबी को बहुत पसंद है। वैसे आर्या भी खा लेती है बट आज तबीयत ठीक नहीं है उसकी तो वो नहीं खाना पसंद करेगी, तो मैं उसे कुछ और दूँगी ब्रेकफास्ट में, जो कुछ दूध है या सीधा दूध वो ले लेगी। और तो मैंने यहाँ तेल ले लिया है, तेल में मैं डाल दिया है राई। ये राई जब फूटता है ना तो मुझे क्रिस्पीनेस होता है राई का, मुझे खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं ज़्यादा राई यूज़ करती हूँ अपने जो ऐसे जो फ्राइंग होता है ना उसमें। और मैं ले लूँगी दो मिर्च बिकॉज हबी को भी खाना है तो नॉट टू स्पाइसी। और फिर हल्के से अच्छे से इसको सॉटे कर लेना है, बस हल्का सा मिर्ची का जो टेस्ट पहले निकल जाए और कड़क हो जाए। मैं तो उसको भी खा लेती हूँ जब वो फ्राई हो जाती है, मिर्ची बड़ी यम्मी लगती है। तो अब इसको मैं फ्लेम हाई करके इसे मैं सॉटे कर लूँगी अच्छे से। और कड़ी पत्ते का भी जो टेस्ट आता है ना, फ्रेश कड़ी पत्ते का, वाह वेरी मज़ा आता है खाने में। और बस इसमें मैंने इडली जो थी मेरी कल की इडली थी वो मैंने कट करके रख लिया था, अब मैं उसको इसमें डाल दूँगी। यहाँ आर्या आ गई बीच में, आर्या का मुँह देखिए, आर्या को कुछ ना कुछ मस्ती करनी होती है, उसको देखिए अभी तक उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। ये मैंने डाल दिया है सफ़ेद तिल, मुझे सफ़ेद तिल काफ़ी पसंद है, तो ये अच्छा फ्लेवर आता है एक्चुअली इडली में उसका, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा क्रिस्पी सा क्रंची सा टेस्ट आता है। आप चाहो तो इसको चाइनीज़ इडली भी, चाइनीज़ वे में भी इडली बना सकते हैं, बट मुझे ऐसा प्लेन खाना ही पसंद है। लेकिन आप सारे सॉसेज यूज़ करके ना बना सकते हो चिली इडली, बट आई वॉन्ट टू ईट प्लेन। सो बस मैंने प्लेन सा इडली रेडी कर लिया था अपने और हबी के खाने के लिए। और इसमें डाल दूँगी मैं शेजवान सॉस जो बिन ग्रीन्स का है, जो इतना तीखा नहीं है, हल्का सा स्वीट है। सो जो चिंग्स का मिलता है ना वो काफ़ी यमी होता है। सी हम इंडियन है ना तो हमें स्पाइस के बिना चलता ही नहीं है, थोड़ा स्पाइस तो चाहिए हमें। और आर्या मेरे साथ इसलिए आपको बैकग्राउंड नॉइस समझ आ रहा है बिकॉज ये मैं मॉर्निंग में वॉइस ओवर करती हूँ, तो इस रीज़न से। दोस्तों यमी सा इडली रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं आर्या को ले गई थी उसके भाई से मिलाने बिकॉज इतनी क्रैंकी हो रखी थी ना, तो मैं सोचा थोड़ा सा उसको मिलवा के ले आती हूँ, वो थोड़ा बेटर फील करेगी। वो यहाँ इसको देखिए, वो टैंग लेके, उसे टैंग पीना काफ़ी पसंद है तो गर्मी में उसे टैंग दे देती हूँ बिकॉज वो प्लेन वाटर तो पीती नहीं है उतना, इसी बहाने पानी भी चला जाता है और टैंग इज़ गुड, तो मैं उसको पिला देती हूँ। बस मैं यहाँ पे इडली ले रही हूँ, सर्व कर रही हूँ। और वहाँ से आने के बाद हमें काफ़ी लेट हो गया था इसलिए मैंने व्लॉग ज़्यादा नहीं किया रात का, बिकॉज ऑलरेडी 9:30 बज चुके थे जब हम घर पे आए, तो और खाना खा के हमें 11 बज चुके थे, तो बहुत लेट हो गया था। और फिर आरू भी इतना ज़्यादा थोड़ा बेटर फील कर रही थी बट उसको सोना था, तो मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। दोस्तों अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल देन गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।